Assalamu alaikum students, I am Nasreen Asghar and I am going to present you the topic of today's session is self-concept and self-perception. I hope you all are good and fine. So today we will learn about self-concept and self-perception. The objective of today's session is at the end of this unit, learners will be able to define self-perception and self-concept better. अब हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली सेल्फ परसेप्शन क्या होता है और इसको हम प्रॉपरली डिफाइन करेंगे और सेल्फ परसेप्शन या सेल्फ कंसेप्ट पैटर्न क्या होता है उसके बारे में हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ सेल्फ एंड सेल्फ कंसेप्ट. सेल्फ क्या होता है और सेल्फ कंसेप्ट क्या होता है, उसके क्या फंक्शंस होंगे और ये प्रोसेस किस तरह से कंटिन्यू होता है, इसमें हम सारा कुछ ये देखेंगे. ठीक है जी. उसके बाद है जी डिस्कस हाउ सेल्फ कंसेप्ट डेवलप्स थ्रू आउट द लाइफ स्पेन. अब इसमें हम ये देखेंगे कि जैसे बेबी बॉर्न हुआ, फिर वो प्री स्कूल एज में गया, स्कूल एज में गया और अडल्ट लाइफ में आया, फिर जो है अडल्टहुड हो गया और फिर बाद में ग्रोइंग एज होती है उसकी. तो ये जो जितने भी लाइफ हैं वो बर्थ से लेके डेथ तक किस किस एज पीरियड से गुजरेगा और वो किस तरह से जो है उसका सेल्फ कंसेप्ट डिवेलप होता है, हम उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. नंबर फोर पे है जी डिस्कस फैक्टर्स दैट कैन इफेक्ट सेल्फ कंसेप्ट. अब हम इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे जो के इफेक्ट कर सकते हैं सेल्फ कंसेप्ट को. वो उसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी आ सकते हैं, हमारे फैमिली फैक्टर्स भी आ सकते हैं और सराउंडिंग्स में जो भी हमारे रिलीजियस फैक्टर्स हैं वो भी आ सकते हैं और हमारे डिफरेंट किस्म के जो कल्चरल बैकग्राउंड्स हैं वो उस पर इफेक्ट कर सकते हैं. तो हम इसमें डिफरेंट किस्म के जो फैक्टर्स हैं इफेक्ट करेंगे सेल्फ कंसेप्ट पे, इसमें हम वो लर्न करेंगे. नेक्स्ट है जी आइडेंटिफाई पॉसिबल मैनिफेस्टेशन ऑफ अल्टर्ड सेल्फ कंसेप्ट. अब हम अल्टर्ड सेल्फ कंसेप्ट, आप एक जो है नर्सिंग डायग्नोज है, अगर आपने नैंडा की लिस्ट पढ़ी हो या देखी हो तो उसमें एक नर्सिंग डायग्नोज ये भी है कि पेशेंट का जो है सेल्फ कंसेप्ट वो अल्टर्ड है या डिस्टर्ब सेल्फ कंसेप्ट है. ठीक है जी. तो उसमें हम अगर किसी पर्सन का सेल्फ कंसेप्ट जो हम स्टार्ट में लर्न करेंगे अगर वो प्रॉपर नहीं होता, प्रॉपर उसका कंसेप्ट डेवलप नहीं होता, उसकी उसके बारे में प्रॉपर लर्निंग नहीं होती, तो हम उसको कह सकते हैं कि ये जो है पेशेंट जो है ऑल्टर्ड सेल्फ कंसेप्ट के साथ है. ठीक है जी. फिर अगर कोई पेशेंट हमारे पास ऑल्टर्ड सेल्फ कंसेप्ट के साथ आता है तो फिर हम उसमें ये देखेंगे कि उसकी क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो सकती हैं, उसके क्लिनिकल साइन सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, फिर हम उसमें सारी चीज़ें देखते हैं. और एट द एंड जो है हम डिस्कस करेंगे, अप्लाई करेंगे नर्सिंग प्रोसेस फॉर अ पर्सन विद एन ऑल्टर्ड सेल्फ कंसेप्ट. अब ऑल्टर्ड सेल्फ कंसेप्ट के साथ जो पर्सन होता है उसको हम क्या नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, उसकी हम किस तरह से केयर कर सकते हैं, नर्सिंग केयर प्लान हम किस तरह से उसका मेक करेंगे और किस तरह के कंपोनेंट्स उसमें हम ऐड करेंगे और अकॉर्डिंग टू द पेशेंट नीड्स जो है वो सारी चीज़ें हम उसमें डिस्कस करेंगे. ठीक है जी स्टूडेंट्स. ओके. डेफिनेशन है जी सेल्फ परसेप्शन या सेल्फ कंसेप्ट. आप इसको आम अल्फाज में सेल्फ परसेप्शन भी कह सकते हैं या सेल्फ कंसेप्ट भी कह सकते हैं और इसका मतलब ये है परसेप्शन ऑफ वन सेल्फ, यानी कि कोई इंसान जो अपने बारे में जो कुछ वो सोचता है, जो वो अपने आप को परसीव करता है, अपने बारे में जो वो थिंकिंग रखता है और उसको जो हम कहेंगे कि ये उसकी सेल्फ परसेप्शन है. परसेप्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को अपनाना, किसी चीज़ के बारे में सोचना या अपने बारे में एक इमेज क्रिएट कर लेना
उसको हम कहते हैं कि ये हमारी परसेप्शन है, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, आप चाइल्डहुड में आप कोई टॉय खरीदना चाह रहे थे, आपने कोई डॉल देखी, तो उसके बारे में आपने आपके माइंड में आया कि ये डॉल बहुत ही खूबसूरत है, डॉल जो है बहुत ही अच्छे एरिया में जो है उसकी बड़ी अच्छी सी उसके बड़े अच्छे बाल हैं, बड़े अच्छी उसकी ग्रूमिंग हुई है, बड़ी अच्छी उसकी ड्रेस हुई है, यानी कि आपने उसके बारे में सारी चीजें परसीव कर ली। इसी तरह सेल्फ परसेप्शन का मतलब ये है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने बॉडी को लेके, आप अपने इमेज को लेके, अपनी पर्सनैलिटी को लेके आप क्या थिंक करते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये परसेप्शन है। और ये जो है नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है जी। निम्रा को आवाज नहीं आ रही, निम्रा काइंडली अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करो बच्चे। और कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत फास्ट ही जा रही हो, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि कहाँ पे आपको समझ नहीं आ रही, ताकि मैं आप लोगों को जो है साथ साथ गाइड कर दूं। अब सिलेबस हमारा काफी है, हमने इसको भी कवर करना है, ठीक है जी। F1 Part 1 तो कंप्लीट हो चुका है, अब F1 Part 2 के काफी सारे यूनिट्स हैं, आप अगर अपने करिकुलम में देखें तो हमने उसको भी कंटिन्यू करना है। तो अगर किसी को लग रहा है कि मैं ज्यादा फास्ट जा रही हूँ या आपको समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे बता सकती हैं, ताकि मैं आपको वहां पे प्रॉपर उसको एक्सप्लेन करके आपको आपके अंडरस्टैंडिंग को जो है ना बेहतर बनाऊं, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, द एक्ट और पावर ऑफ परसीविंग बाय मीन्स ऑफ सेंसेस। फर्स्ट डेफिनेशन हमने देखी, परसेप्शन ऑफ वन सेल्फ, यानी कि आपका अपने बारे में सोचना, आपका अपने बारे में, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, अपनी बॉडी के बारे में, अपने अपने बारे में जो आपने इमेज क्रिएट किया होता है उसको हम कहते हैं कि ये हमारी परसेप्शन है, ठीक है जी। उसके बाद जो आप परसीव करते हैं, परसीव परसेप्शन जो है हम जो है वो डिफरेंट सेंसेस के थ्रू ही कर सकते हैं, ठीक है जी। 5 मेन सेंसेस हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है जी। जब आप उन सेंसेस को यूटिलाइज करते हुए अपने बॉडी इमेज को या अपनी पर्सनैलिटी के बारे में परसेप्शन बना लेते हैं या एक्ट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये सेल्फ परसेप्शन है। और बाय मीन्स ऑफ द माइंड, और इसके बाद आपका माइंड इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, माइंड आ जाता है, कॉग्निशन, अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम कहते हैं कि ये अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है जी। आपके माइंड में सारी चीजें, जब आप किसी चीज को देखते हैं या टच करते हैं या स्मेल करते हैं, तो जब आप सेंसेस को यूज कर रहे होते हैं, तो आपका सारा प्रोसेस जो है आपके माइंड में जो है वो सेट हो रहा होता है, आपकी कॉग्निशन में जा रहा होता है, ठीक है जी। जब आपके माइंड में कोई चीज परसीव कर ली, फिर वो प्रोसेस करता है उसको, फिर उसमें कॉग्निशन होती है, और बाद में आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग उस चीज के बारे में डेवलप होती है। तो एक्चुअली जो सेल्फ परसेप्शन है, ये सारा कुछ आपके माइंड में होता है, आपका माइंड परसीव कर रहा होता है किसी भी चीज को। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पर्सन से मिलते हैं, या आपकी कोई क्लास फेलो है, या आपकी कोई क्लोज फ्रेंड है, तो आप कहते हैं कि फलाना बंदा बहुत अच्छा है और फलां पर्सन जो है ना वो अच्छा नहीं है, तो ये आप कैसे कह लेते हैं? ये इसी बेस से कह लेते हैं, जब आप उसके बारे में देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, फिर अपने माइंड में उसको जो है ना थिंक करते हैं, और उसके बारे में आप एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं। जब आप एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं, तो इमेज क्रिएट करने के बाद फिर आप जो है एक रिस्पॉन्स शो करते हैं कि या तो ये पर्सन अच्छा है या ये पर्सन बुरा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसी तरह आप सेल्फ परसेप्शन की भी कर लेते हैं, तो अपने बारे में एक्चुअली ये सारे जो सेल्फ परसेप्शन और ये जो सारा जो सेल्फ कंसेप्ट है, ये आपका अपने बारे में, अपनी आपकी अपने बारे में थिंकिंग होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, हाउ अ पर्सन एक्सप्लेन बिहेवियर बेस्ड ऑन सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेल्फ नॉलेज, सेल्फ एक्सपेक्टेशन, सेल्फ सोशल एंड सेल्फ वैल्यूशन, ठीक है जी। अब जब आपने किसी के बारे में जो है वो परसेप्शन बना ली, लेकिन जब हम सेल्फ परसेप्शन की बात करते हैं, तो ये अपने बारे में परसेप्शन होती है। इसमें पर्सन क्या करता है, जो कुछ वो अपने बारे में ऑब्जर्व करता है, ठीक है जी, उसकी बेस पे फिर डिफरेंट किस्म के बिहेवियर जो है ना वो शो करेगा या एक्सप्लेन करेगा, ठीक है जी। और इसमें फिर जो है ना डिफरेंट किस्म की करेक्टरिस्टिक्स हैं, और इसमें ये है कि एक दो आपकी जो ऑब्जर्वेशन है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन है, वो आती है बाय सेल्फ नॉलेज से, ठीक है जी। आपका अपने बारे में नॉलेज, ठीक है जी, आपको अपने बारे में जो कुछ पता है, आप उसकी बेस पे क्या करती हैं,
जो है बिहेवियर जो है ना फिर वो शो करते हैं। और इसके बारे में है जी सेल्फ एक्सपेक्टेशन, आपकी अपने आप से क्या एक्सपेक्टेशन है। ठीक है जी, इसमें दूसरों का कोई रद्दी अमल नहीं है, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, इसमें सिर्फ आप और आप हैं। ठीक है जी, आपने अपने बारे में, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, पर्सनल इमेज के बारे में जो कुछ देखा, जो कुछ सोचा, जो एक आपने इमेज क्रिएट कर लिया, वो है जी सेल्फ परसेप्शन। और इसमें सेल्फ एक्सपेक्टेशन आ जाती हैं, आपके अपने सेल्फ एक्सपेक्टेशन आ जाती हैं कि आप अपने आप से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज अ स्टूडेंट आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं अपने आप से एक्सपेक्ट करती हूँ कि मैं अच्छे ग्रेड्स लूंगी एग्जाम में। ठीक है जी, लेकिन अगर अच्छे ग्रेड्स आ जाते हैं तो आप जो है पॉजिटिव रहती हैं अपने सेल्फ परसेप्शन के बारे में, आप कॉन्फिडेंट रहती हैं। लेकिन अगर अच्छे ग्रेड्स नहीं आते तो फिर आप नेगेटिविटी की तरफ चली जाती हैं। ठीक है जी, इसके अलावा है जी सेल्फ सोशल। अब सेल्फ सोशल का मतलब है कि आप कितना सोशलाइज हैं। ठीक है जी, आप लोगों के साथ कितना सोशलाइज हैं, आपकी सोशल लाइफ कैसी है, सोशल एक्टिविटीज कैसी हैं, आप जो है वो लोगों से जो कल्चरल इन्वायरमेंट है या जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है, आप एक्सेप्टेड किए जाते हैं या नहीं किए जाते। जब आप किसी सोशल गैदरिंग में जाते हैं तो क्या लोग आपको, आपकी जो है गैदरिंग को एंजॉय करते हैं या नहीं करते, ये सारी सेल्फ सोशल आ जाती है। ठीक है जी, एंड एट द एंड है जी सेल्फ इवेल्युएशन। सेल्फ इवेल्युएशन में फिर आप अपने आप को इवेल्युएट करते हैं। जैसे नर्सिंग प्रोसेस में हमने एट द एंड इवेल्युएशन करनी होती है, कोई भी हम नर्सिंग प्लान बनाते हैं तो उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए हम सेल्फ इवेल्युएशन करते हैं। लेकिन इसमें फिर जो है वो एक दूसरी चीज है कि इसमें आपने सिर्फ अपने आप को ही जज करना होता है, अपने आप को ही वैल्यूएट करना होता है। वो आप कर सकते हैं बाय परफॉर्मिंग डिफरेंट टास्क, डिफरेंट एक्टिविटीज एंड बाय परफॉर्मिंग डिफरेंट बिहेवियर। ठीक है जी, तो ये है जी टोटल हमारा सेल्फ परसेप्शन। डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, परसेप्शन ऑफ वन सेल्फ। और इसमें आप सेंसेस यूटिलाइज करेंगे, माइंड फिर आपका इसमें इन्वॉल्व होगा, जो सेंसेस के थ्रू मैसेज भेजता जाता है माइंड में, फिर वहाँ पे कॉग्निशन स्टार्ट हो जाती है, थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है और फिर जो है ना अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब हम डिस्कस करेंगे सेवरल डिमेंशंस ऑफ सेल्फ कंसेप्ट या सेल्फ परसेप्शन। ठीक है जी, जो हमने प्रीवियस जो साइड में जो मेंशन था उसमें डिस्कस था, सेल्फ नॉलेज होना चाहिए, यानी कि ठीक है जी इनसाइट इनटू वन ओन एबिलिटीज नेचर एंड लिमिटेशन, यानी कि आपको अपने अंदर, आपके अंदर क्या, किस तरह का इलम पाया जाता है, कितना नॉलेज पाया जाता है, आप कितने नॉलेज हैं, आपने अब खुद से जज करना होता है, उसको हम कहते हैं कि सेल्फ नॉलेज। अपनी अपनी आपकी क्या क्या एबिलिटीज हैं, किस तरह के आप लिमिटेशन रहते हैं, किस तरह की नेचर है आपकी, यानी कि आपकी नेचर, कुछ लोग जो होते हैं वो जॉली होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो खड़ूस मिजाज के होते हैं, ठीक है जी, कुछ लोग शाय होते हैं, कुछ जो होते हैं कंजर्व से होते हैं। ठीक है जी, तो आपको अपने बारे में, अपनी एबिलिटीज के बारे में, नेचर के बारे में और आपकी क्या लिमिटेशन है उसका नॉलेज होना जो कहते हैं वो है जी सेल्फ नॉलेज। फिर सेल्फ एक्सपेक्टेशन है जो कि आप अपने आप से एक्सपेक्ट करते हैं, जो कि रियलिस्टिक भी हो सकती है और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन भी हो सकती है। ठीक है जी, वो लेकिन आपने अपने आप से, आप कुछ ना कुछ हर टाइम अपने आप से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जब भी आप किसी भी लाइफ स्टेज से गुजर रहे होते हैं। एज अ चाइल्डहुड आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ होंगी, एज अडल्ट आपकी डिफरेंट होंगी, एज अ अडल्टहुड या ओल्ड एज में आपकी जो एक्सपेक्टेशन है अपने आप से वो डिफरेंट होंगी। ठीक है जी, तो इसमें हम सेल्फ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। ये सेल्फ सोशल सेल्फ है, हाउ पर्सन परसीव बाय अदर्स एंड सोसाइटी, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आया वो पर्सन सोशल है या नहीं है, और वो दूसरों से सोसाइटी में या दूसरों के लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं है, वो दूसरे उसको परसीव कर पाते हैं या नहीं कर पाते, वो सारा हम सोशल लाइफ यानी कि सोशल सेल्फ में देखते हैं। फिर सोशल वैल्यूएशन है, इसमें द अप्रेजल ऑफ वन सेल्फ इन रिलेशनशिप टू अदर्स। ठीक है जी, दूसरों के साथ उसके किस तरह के रिलेशनशिप्स हैं, इसमें हम वन सेल्फ की अप्रेजल देखते हैं। दूसरों के साथ रिलेशनशिप या किसी इवेंट से रिलेटेड या किसी डिफरेंट सिचुएशन में उसका किस तरह का अप्रेजल होता है, किस तरह की उसका सिनेरियो होता है, उसमें वो फिर जजमेंट वगैरह इस स्टेप में की जाती है।
लिमिटेशन का मतलब ये है कि आपने जो है आपकी किस तरह की बाउंड्रीज हैं, ठीक है जी। एज अ चाइल्डहुड आपके पेरेंट्स आपको कुछ चीजों से मना करेंगे, फिर आपका कुछ रिलीजन इम्पैक्ट आ जाता है, आपके रिलीजन में कुछ चीजें होती हैं कि आपने उसमें लिमिटेशन शो करनी होती है, यानी कि मोस्टली रिलीजन में ड्रिंकिंग स्मोकिंग इस तरह की जो हैबिट्स हैं उसको कुछ करना ही बेहतर होता है। तो वो लिमिटेशन का यहाँ पे यही बताया गया है कि आपको लिमिटेशन का पता होना चाहिए कि आपने अगर इस बाउंड्री से क्रॉस करते हो तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, और अगर नहीं करते तो फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और आपको आपकी हदूद जो है आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। ये सेल्फ नॉलेज में आता है। नेक्स्ट है जी कॉम्पिटेंसी, यानी कि कॉम्पिटेंस होना चाहिए, अबिलिटी टू मीट बेसिक नीड। अब हर पर्सन जो है, जो हम ये नहीं समझ कहते कि जो आप कोई पर्सन है वो बहुत ही हाई फाई बंदा हो, बहुत ही हरफन मोला हो, ऐसा नहीं हो सकता। कॉम्पिटेंसी का मतलब ये है कि आप जो आपकी डेली की जो रूटीन हैं, यानी कि आपने शावर लेना है, आपने खाना खाना है, आपने क्लोथिंग करनी है, आपने अपने आप को क्लीन करना है, अपने आप को नीट एंड क्लीन रखना है, आपने जो बेसिक जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसमें आप कॉम्पिटेंट हो, ठीक है जी। अगर कोई पर्सन कॉम्पिटेंट नहीं है या वो इंटरेस्ट शो नहीं करता तो इट मीन्स उसके सेल्फ इमेज में कोई ना कोई इशू चल रहा है, सेल्फ परसेप्शन में उसका इशू चल रहा है, वो जानबूझ के अपनी केयर नहीं कर रहा, ठीक है जी। वो अपने बॉडी इमेज से खुश नहीं है, अपनी जो उसका जो सेल्फ इमेज है परसेप्शन है उससे वो हैप्पी नहीं है, ठीक है जी। तो सीफ पूछ रहे हैं कि सेल्फ कंसेप्ट एंड कॉग्निटिव प्रोसेस जो है वो सेम थिंग है, तो नहीं, ये डिफरेंट है, ठीक है जी। सेल्फ परसेप्शन और सेल्फ कंसेप्ट जो है वो एक परसेप्शन है, ठीक है जी। आपने अपने बारे में जो इमेज क्रिएट कर लिया, अपने बारे में जो कॉग्निशन डेवलप कर ली वो है, लेकिन कॉग्निटिव प्रोसेस एक मेंटल प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट किस्म की चीजें इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें आपकी सेंसेस के थ्रू मैसेजेस आते हैं, ब्रेन तक जाते हैं, वहां पे प्रोसेस होता है प्रॉपरली, तो उसमें फिर दोबारा जो है एक प्रॉपर उसकी फीलिंग जो है ना डिवेलप होती है, उसके बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डिवेलप होती है, ठीक है जी। तो आपने ये नहीं राइट करना कि सेल्फ कंसेप्ट और जो कॉग्निशन है वो सेम है, ठीक है जी। इसके अलावा अफेक्ट अवेयरनेस ऑफ इमोशनल स्टेट, अब इसमें ये है कि उसके इमोशनल स्टेट जो है उसको उसके बारे में उसका पता होना चाहिए, ठीक है जी। अब वो यानी कि कोई ऐसा पर्सन, ठीक है, आप वो, अगर वो खुश है तो उसको पता होना चाहिए कि वो खुश है, अगर वो सैड है तो उसको अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो अब सैड है, ठीक है जी। ये ना हो कि अंदर से तो वो खुश नहीं है लेकिन बाहर जो है वो स्माइल कर रहा है, और वो कौन इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है कि दूसरे बंदों को भी वो कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है जी। तो इसमें आपका अवेयरनेस होना आपकी इमोशन स्टेट का बहुत जरूरी होता है। फिजिकल में है जी फीलिंग्स अबाउट लुक्स। अब फिजिकल अगर आप इसमें देखें तो फिजिकल आपका बॉडी इमेज आ जाता है कि आप अपने बॉडी के बारे में किस तरह परसीव करते हैं। इसमें यहाँ पे ये चीज़ें बहुत जरूरी हैं, सेल्फ परसेप्शन और सेल्फ कंसेप्ट, क्योंकि जब हम पेशेंट डीलिंग करते हैं तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि सैड होते हैं या डिप्रेशन में होते हैं, ठीक है जी। वो अनहैप्पी फील कर रहे होते हैं, तो अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी फिजिकल जो लुक्स हैं उनसे जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होते, उनको लेके वो अनहैप्पी होते हैं। यानी कि अगर आप देखें कि कुछ लोग फैटी होते हैं, कुछ लोग जो हैं वो थिन होते हैं, कुछ की जो है वो बोन स्मॉल होती हैं, कुछ की लार्ज, कुछ लोगों की हाइट कम होती है, ठीक है जी, कुछ लोगों का वेट ज़्यादा होता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि पर्सन जो हैं वो अपने बॉडी इमेज से अनहैप्पी होते हैं। आप लोगों में से एज अ स्टूडेंट अगर आप लोग देखें तो आप लोगों में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो कि अपनी इमेज के बारे में किसी ना किसी बात पे अनहैप्पी होंगे कि मेरे बाल अच्छे नहीं हैं, मेरी आईज अच्छी नहीं है, या मेरी अपेयरेंस अच्छी नहीं है। तो ये बहुत इसमें सारी फिजिकल चीज़ें आ जाती हैं। तो सेल्फ कंसेप्ट पढ़ना भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम पेशेंट को डील कर रहे होते हैं तो पेशेंट ऑलरेडी डिजीज प्रोसेस से गुजर रहा होता है, तो वो जो है एक डिजीज की वजह से उस पर डिप्रेशन और सैडनेस वगैरह के होते ही हैं।
लेकिन अगर वो अपने आप को अच्छा भी नहीं समझता, यानी कि उसका सेल्फ परसेप्शन अच्छा नहीं है अपने बारे में, तो वो जो है अपनी केयर नहीं प्रॉपर करेगा, निगलेक्ट करेगा सारी चीज़ों को, अपनी जो उसकी जो बेसिक नीड्स हैं उनको वो पूरा नहीं कर पाएगा। ठीक है जी। इसके अलावा हेल्थ के बारे में, उसकी उसका हेल्थ स्टेटस कैसा है, उसके बारे में उसकी क्या परसेप्शन है, फिर फिजिकल कंडीशंस आ जाती हैं, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं उनकी जो है वो हेल्दी होते हैं और वेलबिंग होते हैं, वो तो ठीक है, वो अपने इमेज से खुश होंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको डिफरेंट किस्म की डिजीज हो जाती हैं, या किसी को डिसेबिलिटी हो गई है तो, या उसकी जो ओवरऑल हेल्थ जो है वो कभी उसको बुखार हो गया है, कभी उसको वीकनेस हो गई है, कभी उसकी लेग्स में पेन है, यानी कि वो खुश नहीं है अपनी हेल्थ से। ठीक है जी। तो ऐसी फिजिकल कंडीशन जो है उसके बारे में उसका जो नॉलेज है या उसका जो परसेप्शन है वो होना बहुत जरूरी है। एंड ओवरऑल अपेयरेंस, और फिर आ जाती है ओवरऑल अपेयरेंस, यानी कि उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी इसमें आ जाती है कि वो अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी से हैप्पी है या नहीं है। ठीक है जी। तो इसमें सारी चीज़ें सेल्फ परसेप्शन और सेल्फ कंसेप्ट में आ जाती हैं। नेक्स्ट है जी एकेडमिक। अब सक्सेस और फेलियर इन द स्कूल। ठीक है जी। अब इसमें भी ये बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जो कि लीड करता है या तो पॉजिटिव सेल्फ परसेप्शन के या नेगेटिव। ठीक है जी। अगर तो वो अच्छे ग्रेड्स ले रहा है बच्चा और टॉप कर रहा है या अच्छे मार्क्स ले रहा है, तो वो जो है ना सक्सेस को लीड करेगा और उसका जो सेल्फ परसेप्शन है वो पॉजिटिव हो गया। ठीक है जी। और फैमिली भी उसको जो रिवार्ड देगी और घर वाले भी उसको अच्छा समझेंगे, फ्रेंड्स भी अच्छा समझेंगे। ठीक है जी। टीचर्स की गुड बुक्स में होते हैं ऐसे स्टूडेंट्स, तो वो उनको हर तरह से अप्रिशिएट किया जाता है जो कि लीड करता है सक्सेस को, और साथ में उसकी सेल्फ पॉजिटिव जो है सेल्फ परसेप्शन होगी। लेकिन अगर आप दूसरी साइड पे देखें, फेलियर हो रही है स्कूल में, बार बार वो फेल हो रहा है बच्चा, उसके ग्रेड पुअर आ रहे हैं, पेरेंट्स भी परेशान हैं, टीचर्स भी परेशान हैं, फ्रेंड्स भी उसको बातें सुनाते हैं, तो क्या होगा कि वो उसका जो है सेल्फ परसेप्शन नेगेटिव जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ये समझेगा कि मैं अच्छा अचीवर नहीं हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो नाकाम सा बंदा हूँ, मैं बार बार फेल हो जाता हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा। तो वो फिर इस वो अपने वो अपनी अपनी जो सेल्फ परसेप्शन है उसको वो नेगेटिव लेगा फिर। ठीक है जी। वो अपनी अपेरेंस से अपनी जो सेल्फ परसेप्शन है उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट जो होगा उसको वो प्रॉपर जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर फैमिली आ जाती है, हाउ वेल वन फंक्शंस विद इन द फैमिली यूनिट। अब ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भी एज अ फैमिली मेंबर आप देखते हैं कि फैमिली में हमारा डिफरेंट रोल होता है। ठीक है जी। किसी का बेटे का है, किसी का बेटी का रोल है, किसी का सिस्टर का है, किसी का ब्रदर का है। ठीक है जी। कोई जूनियर है, कोई सीनियर, इस तरह मतलब आप अपने फैमिली में हैं। अब जब फैमिली में आपका डिफरेंट रोल होगा तो आप अपनी फैमिली में किस तरह से, फैमिली वाले आपको डिसीजन में इन्वॉल्व करते हैं या नहीं। और इसी तरह अगर हम पेशेंट की बात करें तो पेशेंट भी यही कहेगा कि फॉर एग्जांपल कोई मैरिड पेशेंट है तो कहेगा कि मेरी वाइफ जो है उसके साथ मेरा रिलेशन अच्छा नहीं है, या जो है मेरे इन लॉज के साथ मेरा अच्छा रिलेशन नहीं है, या अगर कोई और है घर में कोई और उसका रिलेशन है तो वो कहेगा कि मैं अपनी फैमिली वाले मुझसे पूछ के कोई काम नहीं करते, मुझे किसी डिसीजन में इन्वॉल्व नहीं करते। ठीक है जी। तो इट मीन्स कि उसका जो है फिर वो सेल्फ परसेप्शन जो है या सेल्फ कंसेप्ट जो है वो नेगेटिविटी की तरफ जाएगा, वो अपने आप को अच्छा नहीं समझेगा, वो कहेगा कि मैं अच्छा हूँ ही नहीं, इसलिए तो लोग जो हैं मुझे अच्छा समझते नहीं हैं, मुझे किसी डिसीजन में इन्वॉल्व करते नहीं। ठीक है जी। और अगर इस अदर साइड पे अगर सारे फैमिली मेंबर उसके साथ खुश हैं, वो मिलके काम करते हैं, कोई भी डिसीजन लेना होता है उससे पूछ के करते हैं, या जो उसका फैमिली का जो रोल है वो प्रॉपरली प्ले कर रहा है, तो उसका जो सेल्फ परसेप्शन है वो पॉजिटिव होगा और उसको बहुत अच्छा अच्छी फीलिंग आएंगी कि भाई हाँ मैं किसी काबिल कोई बंदा हूँ या बंदी हूँ कि मुझे सारे पूछ के या इन्वॉल्व करके जो है ना डिसाइड करते हैं। अब अगर हम डिस्कस करें फैक्टर्स इन्फ्लुएंस ऑन इंडिविजुअल सेल्फ कॉन्सेप्ट, अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एक पर्सन है या जो पेशेंट है उसके सेल्फ कॉन्सेप्ट को इफेक्ट कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले आती है एज।
ठीक है जी। एज अब जैसे चाइल्डहुड होता है या ग्रोइंग एज होती है, तो उसमें बच्चों को क्योंकि एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है, वो अगर बार बार फेल होते भी हैं तो वो सक्सेस कर भी लेती हैं, और बाद में उनका जो है वो उस एज लेवल पे वो इतना इसको जो है फील नहीं करते, ठीक है जी, सेल्फ कंसेप्ट को या सेल्फ परसेप्शन को इतना नेगेटिव नहीं होते। लेकिन अगर कोई एडोलसेंस एज में है या टॉडलर एज में है, तो उस एज में क्या होगा, क्योंकि प्री मेच्योर होते हैं अभी, यहाँ पे अभी माइंड मार्किंग जो है वो इतनी प्रॉपर नहीं डेवलप हुई होती, तो क्या होता है कि वो छोटी छोटी बातों को लेके नाराज हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों को लेके जो है ना वो क्या कहते हैं कि दिल में बात रख लेना, ईगो शो करना या इस तरह की हरकतें शुरू कर देते हैं, तो फिर एज जो है वो बहुत इफेक्ट करती है। ठीक है जी। अब अडल्टहुड या चाइल्डहुड में जो है वो उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट भी डिपेंड करता है आपके प्रीवियस लाइफ एक्सपीरियंसेस पे। अगर ओल्ड एज पर्सन है तो वो उसका तो होल लाइफ स्पेन है, उसमें जो एक्सपीरियंसेस उसके साथ हुए हैं, जिन जिन हालात से वो गुजरा है, वो सारी चीजें जो हैं उसके सेल्फ कॉन्सेप्ट को लीड करेंगी। ठीक है। अगर आप देखें, कुछ लोग कहते हैं 45-50 एज में जाके भी कोई पेशेंट आपके पास आया, वो कहता है कि मैं अपनी जिंदगी से खुश नहीं हूँ, तो इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि उसने अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें देखी हैं जो कि ज्यादातर नेगेटिव थी और जो कि फेलियर की तरफ गई, और बाद में जो है कि उसका सेल्फ कंसेप्ट जो है वो नेगेटिव जो है वो डिवेलप हो गया। लेकिन अगर इसके बरक्स अगर आप कोई ऐसा इंसान 50 का अगर कोई देखते हैं जो कि अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ गुजार रहा है, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, उसकी सारी चीजें अच्छी हैं, उसने अपनी यंग एज में ही बहुत सारी लाइफ अचीवमेंट्स जो हैं वो अचीव कर ली, स्टडी अचीव की, फिर अच्छी जॉब ले ली, सारा कुछ उसका अच्छा अच्छा गया, तो वो क्या कहेगा कि मैं तो बहुत खुश हूँ अपनी जिंदगी से और मैं अपने आप से बहुत खुश हूँ, मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, मेरे में बहुत ज्यादा एनर्जी है, अभी भी बहुत एनर्जी है। तो ये जो है जी पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट। ठीक है जी। फिर है जी अपेयरेंस। अब अपेयरेंस में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। अगर आप जो है कुछ लोग जो हैं गॉड गिफ्टेड होते हैं, उनकी ब्यूटी ज्यादा होती है, कुछ लोग अगली किस्म के होते हैं, कुछ लोगों की अपेयरेंस इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती, तो ये सारी चीजें अल्लाह की तरफ से होती हैं। ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपने जो है अपनी अपेयरेंस को लेके परेशान होते रहना है कि मैं मोटी क्यों हूँ, मैं छोटा क्यों हूँ, मेरी हाइट क्यों नहीं इतनी ज्यादा, या मैं जो हूँ मेरे बाल इतने अच्छे नहीं हैं, मेरी आईज का कलर अच्छा नहीं है। ठीक है जी। ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत इफेक्ट करती हैं आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट की। तो ये ज़रूरी होता है कि आप अपनी जो भी आपके पेरेंट्स हैं आप उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें, आप सोल्यूशन ढूंढें कि आप किस तरह से उसको बेहतर कर सकती हैं। अगर अगली किस्म के हैं, बदसूरत हैं, या आप जो है ना आप अपनी पेरेंट्स से खुश नहीं हैं, तो उसको बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि ये सोच लेना चाहिए कि भाई मैं तो इस तरह का बंदा हूँ, मुझे तो कोई लाइक नहीं करता या कोई मेरे से बात करना पसंद नहीं करता, तो फिर वो क्या करेगा आपके सेल्फ कंसेप्ट को नेगेटिविटी की तरफ लेके जाता है। ठीक है जी। आप ये बहुत सारे पेशेंट को आप वार्ड में देखेंगे, आपको मिलते हैं ऐसे पेशेंट जो कि कहते हैं कि भाई मैं तो अपने आप से खुश ही नहीं हूँ, मेरी बॉडी इस तरह की है, मैं तो ये थोड़ी सी यहाँ से ये पार्ट इस तरह का होना चाहिए था, ये पार्ट इस तरह का होना चाहिए, तो बहुत सारी वो बातें फिर बताते हैं। अच्छा जी। फिर है जी जेंडर। अब जेंडर भी सेल्फ कंसेप्ट पे बहुत इफेक्ट करता है, और उसमें बॉयज और जो गर्ल्स हैं उनका जो है इन्फ्लुएंस होता है इसमें बहुत ज्यादा, और वो है जी आपकी फैमिली, आपका एनवायरमेंट, आपके पेरेंट्स किस तरह से उनकी जो है वो ग्रूमिंग करते हैं, ये सारी चीजें उस पर डिपेंड करती हैं। ठीक है जी। फिर आ जाता है कल्चर। अब कल्चर जो है वो सेल्फ कंसेप्ट को पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। ठीक है जी। कैसे? कुछ कल्चर्स में आपका जिस तरह की आपके पेरेंट्स है, जिस तरह की आपकी बॉडी बॉडी है, जिस तरह की आपका आपकी एक्टिविटीज हैं, तो वो कुछ कल्चर्स में सराहा जाएगा, कुछ में नहीं सराहा जाएगा, कुछ कल्चर्स में लिमिटेशंस होती हैं। आप लोगों को कुछ एक्टिविटीज जो आप करना चाह रहे होते हैं, जो आपकी को आपकी कैरियर को आपकी ग्रोथ को प्रमोट कर सकती है, वो कल्चर जो है अमाउंट कर देता है, तो फिर इस तरह से वो जो है ना आपके सेल्फ कंसेप्ट पे बहुत ज्यादा असर अंदाज होता है। ठीक है जी। इसके अलावा है जी इमोशनल डेवलपमेंट।
अब इसमें ये होगा कि आपकी इमोशनल डेवलपमेंट किस तरह की हुई है, ठीक है जी। आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपने इमोशंस के बारे में पता होना चाहिए, ये जरूरी है। और आप जो है इमोशनल अगर फील कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, अपने सेल्फ कंसेप्ट के बारे में हमेशा अच्छा ही सोचना है। आपने नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना, क्योंकि अगर आप नेगेटिव हो गए तो उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और खुदा ना खास्ता अगर जो नेगेटिव पर्सन होते हैं, अगर उनको कोई डिजीज हो जाती है तो वो उनकी रिकवरी भी जल्दी पॉसिबल नहीं होती, ठीक है जी। वो एक रिस्क फैक्टर हो जाता है कि जितनी ज़्यादा नेगेटिव पेशेंट होंगे उनकी रिकवरी जो है वो उतनी ही डिले होगी। अब नेक्स्ट है जी एजुकेशन, ठीक है जी। एजुकेशन लेवल जो है वो आपके सेल्फ कंसेप्ट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अगर आप देखें एक ले पर्सन है, एक कम पढ़ा लिखा इंसान है, आप उससे बात करते हैं आपको अंदाजा हो जाता है कि भाई इसमें नॉलेज की कमी है। अब इसमें इतना नॉलेज नहीं है कि इसको जो है कि हम ये देखें कि वो किसी से अच्छे तरीके से बात कर सकता है या नहीं कर सकता, ठीक है जी। अब जैसे जैसे आप एजुकेशन ज्यादा लेते हैं आपका माइंड ओपन होता है, आप वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज को जब आप देखते हैं, दुनिया को देखते हैं, तो बहुत सारी चीजें जो हैं आपके माइंड में आती हैं, ठीक है जी। और इसी तरह फिर वो आपके सेल्फ कंसेप्ट को भी इफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है जी रिलेशनशिप विद अदर पीपल। अब आपके दूसरे लोगों के साथ रिलेशनशिप कैसे हैं, ये भी आपके सेल्फ कंसेप्ट को लीड करेंगे। अगर तो आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं, आप जो है हैप्पी लाइफ गुजार रही हैं, आपकी फ्रेंडशिप अच्छी है, आपके पेरेंट्स के साथ आपके रिलेशन अच्छे हैं, पेशेंट के अगर उसके वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ उसके रिलेशन अच्छा है, बच्चों के साथ उनके रिलेशन अच्छे हैं, या उनके ग्रैंड पेरेंट्स जो भी उनके रिलेटिव हैं, जिसके जो भी उसके फैमिली में लोग हैं, अगर उनके रिलेशन अच्छे हैं तो सेल्फ कंसेप्ट पॉजिटिव होता है, ठीक है जी। अगर रिलेशन अच्छे नहीं हैं तो सेल्फ कंसेप्ट नेगेटिविटी की तरफ जाएगा। तो ये वाले फैक्टर्स जो हैं बहुत इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा है जी सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है वो भी बहुत इफेक्ट करती है सेल्फ कंसेप्ट को। अब कुछ लोग एरिया में कहा जाता है कि लड़कियां जो हैं वो इतनी पसंद नहीं की जाती, लड़की होना ही एक जुर्म है, ठीक है जी। बहुत सारे कल्चर रहते हैं जहाँ पे गर्ल्स को जो है वो किया जाता है और बॉयज जो है उनको डोमिनेट किया जाता है और बॉयज का ज्यादा ख्याल किया जाता है। वहाँ पे जब सेक्सुअल ओरिएंटेशन जब इस तरह की डिफरेंट एक्टिविटीज जब होती हैं तो वो भी सेल्फ कंसेप्ट को पे इफेक्ट कर सकती हैं। यानी कि कोई ऐसा पर्सन जिसका सेक्स जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं किया जा रहा, जिसकी जेंडर एक्सेप्ट नहीं की जा रही कि वो एज अ मेल है, एज अ फीमेल है, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं है, तो वो भी इफेक्ट करेगी। तो इसी तरह जो फीमेल्स होते हैं उनको ज्यादातर लोग जो है वो हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है जी। तो उसमें भी यही होता है कि सेल्फ कंसेप्ट उनका भी नेगेटिव तरफ जाता है। अक्सर न्यूज में आपने देखा होगा कि जो इस तरह के लोग होते हैं वो अक्सर न्यूज में आए होते हैं, कहते हैं कि हमें भी जॉब दी जाए, हमें भी एजुकेशन का राइट दिया जाए, हमारे लिए भी कोई एनजीओ हो, हमारे लिए भी कोई अच्छी जो है वो तंजीमें बने। तो वो इसीलिए कर रहे होते हैं क्योंकि वो बेचारे, क्योंकि उनका सेल्फ कंसेप्ट नेगेटिव होता है, सोशल लोग जो हैं, सोसाइटी जो है वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती, तो इसीलिए फिर वो तंग आकर इस तरह के जो हैं फिर आते हैं और फिर वो बेचारे इमोशनल होते हैं। तो हमें ये सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है ये समझना चाहिए कि ये भी बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करती है, ठीक है जी। इसके अलावा लाइफ एक्सपीरियंसिंग, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपकी थ्रू आउट द लाइफ स्पेन जहाँ जैसे जैसे आपकी लाइफ गुजर रही होती है तो उसमें ये होता है कि आप डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज को लर्न कर रहे होते हैं, कभी सक्सेस की तरफ जाते हैं, कभी फेलियर की तरफ जाते हैं। वो आपकी एजुकेशन हो, आपके रिलेशन हो, आपका जॉब हो, आपके कैरियर हो, या आपका कोई और आपका एम हो, कोई किसी भी किस्म की एक्टिविटी जो है आप कर रहे हैं, तो उसमें दो तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं, या आप गुड होंगे या बैड होंगे। तो अगर जितने ज्यादा पॉजिटिव एक्सपीरियंस होंगे उतना ज्यादा पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट होगा, जितने ज्यादा नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होंगे उतना ही नेगेटिव सेल्फ कंसेप्ट होगा, ठीक है जी। तो हमने से बहुत सारे लोग जो हैं डिफरेंट किस्म की सिनेरियो से गुजर गुजर रहे भी होते हैं, कुछ गुजर चुके होते हैं,
तो अगर कोई पर्सन हैप्पी है अपनी लाइफ से या अपने सेल्फ कंसेप्ट से हैप्पी है, तो इट मीन्स कि वो अपने लाइफ एक्सपीरियंस से हैप्पी है। अगर नहीं है तो वो नेगेटिव होगा, वो नेगेटिविटी शो करेगा, कहेगा कि मैं तो अपने आप को पसंद ही नहीं करता, मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता, मुझे मेरे तो ये एबिलिटीज है ही नहीं। ठीक है जी, तो फिर वो इस तरह की जो है नेगलिजेंसी और डिप्रेशन और फिर सैडनेस और इस तरह की चीजें उन पर्सन में ज्यादा क्रिएट होती हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, नेक्स्ट है जी सेल्फ एस्टीम। ठीक है जी, आपने एक वर्ड सुना होगा सेल्फ एस्टीम। अब सेल्फ एस्टीम क्या होती है? मेन इसका जो है फोकस वो ये है कि हाउ यू वैल्यू योर सेल्फ, आप अपने आप को कितनी वैल्यू देते हो, किस तरह से वैल्यू देते हो, उसको हम कहते हैं कि ये हमारी सेल्फ एस्टीम है। ठीक है जी, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो सेल्फ एस्टीम रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच वी लाइक एक्सेप्ट और अप्रूव ऑफ आवर सेल्फ और हाउ मच वी वैल्यू आवर सेल्फ। ठीक है जी, इसमें आ जाता है नॉर्मली ये होता है कि सेल्फ स्टीम ये है कि आप किस हद तक अपने आप को लाइक करते हैं, किस हद तक अपने आप को दूसरों के सामने अप्रूव करते हैं और किस हद तक आप अपने आप की अपनी जो वैल्यूज हैं उसको शो करते हैं। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं कि सेल्फ स्टीम। यस, सना कमल आती इज्जत नफस, यानी कि आपकी इज्जत नफस क्या है उसको हम सेल्फ एस्टीम कहते हैं। ठीक है जी, अब सेल्फ एस्टीम ऑलवेज इन्वॉल्व अ डिग्री ऑफ इवेल्युएशन एंड वी मे हैव आइदर अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव व्यू ऑफ आवर सेल्फ। इसी तरह सेल्फ एस्टीम भी, जिस तरह हमने सेल्फ परसेप्शन देखा, सेल्फ कंसेप्ट पढ़ा है, इसी तरह सेल्फ एस्टीम भी जो है वो इवेल्युएशन के बाद होती है। ठीक है जी, हम बहुत सारी जब चीज़ें करते हैं, लाइफ एक्सपीरियंसिस जब से गुजर रहे होते हैं या गुजर जाते हैं, तो उसके बाद जब हम अपने आप को इवेलुएट करते हैं तो फिर हम दो पॉइंट्स पे पहुंचते हैं, या तो वो होगा पॉजिटिव सेल्फ स्टीम या होगी नेगेटिव। ठीक है जी, अगर कोई बंदा अपनी पॉजिटिव सेल्फ स्टीम रखता है तो वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा और वो मोटिवेटेड होगा और हर चीज में पार्टिसिपेट करने वाला होगा। और अगर कोई बंदा या बंदी जो है वो नेगेटिव सेल्फ स्टीम के साथ होगा तो वो हर टाइम सैड रहेगा, डिप्रेशन का शिकार होगा, लैक ऑफ इंटरेस्ट शो करेगा। अगर स्टूडेंट्स हैं तो वो प्रॉपर जो है वो अपने जो लेक्चर हैं वो प्रॉपर अटेंड नहीं करेगा, उसमें इंटरेस्ट नहीं उसका होगा। या अगर पेशेंट है तो वो अपनी जो केयर है वो नेग्लेक्ट शो करेगा, अपनी प्रॉपर केयर नहीं कर पाएगा। ठीक है जी, तो ये आप हर पर्सन से जो है हर जो पर्सन इसमें होगा इन्वॉल्व उसका डिफरेंट क्राइटेरिया होगा। अब टू टाइप्स हैं सेल्फ स्टीम की, इसमें आ जाती है हाई सेल्फ स्टीम एंड लो सेल्फ स्टीम। ठीक है जी, अब इसमें हाई और लो सेल्फ स्टीम में क्या डिफरेंस है वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। हाई का मतलब है वी हैव अ पॉजिटिव व्यू ऑफ आवर सेल्फ, यानी कि आपका अपने बारे में पॉजिटिव इमेज होना, पॉजिटिव रहना आपका अपने बारे में, तो उसको हम कहते हैं कि हमारी जो है हाई सेल्फ स्टीम है। ठीक है जी, इसमें क्या फिर वो अगर हाई सेल्फ स्टीम के साथ कोई पर्सन है या कोई पेशेंट है हमारे पास या कोई स्टूडेंट है हमारे पास या कोई हमारा सराउंडिंग में कोई भी पर्सन है जिसको जिसके साथ हम कम्युनिकेट करते हैं या जिसको डीलिंग करते हैं, तो उसमें क्या क्या होगा? कॉन्फिडेंट इन आवर ओन अबिलिटीज, यानी कि वो अपनी अबिलिटीज में कॉन्फिडेंट होगा, अपने कॉन्फिडेंस शो करेगा, जो भी वो एक्टिविटीज जो भी वो स्किल्स रखता है उसमें वो कॉन्फिडेंट होगा। इसके अलावा सेल्फ एक्सेप्टेंस होगी, यानी कि वो अपने आप को एक्सेप्ट कर लेगा, वो खुश रहेगा अपनी लाइफ से, अपने इमेज से, अपने जो पर्सनैलिटी है उसकी वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा तो वो हैप्पी फील करेगा। दूसरा है जी नॉट वरिंग अबाउट व्हाट अदर्स थिंक। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है इसका जो है वो चैलेंज कंटेंट है या इसका सब है सब टॉपिक है इसका सेल्फ एस्टीम का। ज्यादातर क्या होता है, किसी ने बात की हम फौरन उसको सोच कर परेशान होना शुरू कर देते हैं और फिर हम टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस में आते हैं और बाकी काम भी हम खराब कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने बारे में पॉजिटिव हैं, सेल्फ एस्टीम आपकी जो है वो पॉजिटिव है,
तो आपको क्या करना चाहिए, कोई कुछ भी सोचे आपको उसके बारे में परेशान नहीं होना चाहिए। आप उसको, आप बस ये सोच लें कि मैं ऐसा हूँ, मैं खुश हूँ अपने इमेज से। क्योंकि ज्यादातर लड़कियां क्या करती हैं, कोई उनको कह दे कि आप फैटी हैं, आप मोटी हो रही हैं, या आप इस तरह की हैं, या आप छोटे कद की हैं, तो वो फिर परेशान होना शुरू कर देती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी तरह अगर पेशेंट को अगर हम देखें, तो पेशेंट ज्यादातर अपनी डिजीज को लेके, किसी ने उनको कह दिया कि आपको तो ये बीमारी हो गई है, आपको ये इलनेस हो गई है, तो अब तो ये जल्दी ठीक नहीं होगी और पता नहीं अब आपका क्या बनेगा। तो ये अगर सोच लिया उसने, पेशेंट ने सुन लिया या उसने देख लिया, तो अगर उसकी सेल्फ एस्टीम जो है वो लो होगी, तो वो फौरन से सोच कर उसको बारे में परेशान होता रहेगा। लेकिन इस टाइम पे हाई अगर सेल्फ एस्टीम का पर्सन होगा, पेशेंट होगा, या कोई लड़की होगी, या कोई लड़का होगा जिसकी पर्सनैलिटी पे अगर कोई बात की गई है, तो वो क्या करेगा, सुनकर बात को इग्नोर कर देगा। वो उसको ज्यादा थिंक नहीं करेगा, ना सोचेगा, और ना ही उसके बारे में परेशान होगा, क्योंकि तो उसको पता है कि वो क्या है और वो अपने बारे में खुश है। इसके अलावा ऑप्टिमिज्म होती है, यानी कि ऐसे पर्सन होपफुल होते हैं, वो कोई भी काम करते हैं, कोई भी टास्क लेते हैं, तो वो होपफुल होते हैं और उन्हें उम्मीद होती है कि वो ये काम कर लेंगे। ठीक है जी। इसी तरह अगर हम यहाँ पे पेशेंट की बात लें, अगर पेशेंट हाई सेल्फ एस्टीम के साथ होते हैं, तो उनका मेन फोकस होता है अपनी इलनेस पे। अगर आप एज अ नर्स उनको कोई टास्क देती हैं, कोई नर्सिंग केयर या नर्स उनको बताती हैं, तो वो होपफुल होते हैं कि वो अपनी इलनेस को रिकवर कर लेंगे और जो काम को टास्क या टास्क दिया गया है, तो वो उसको कर पाते हैं। इसी तरह है जी लो सेल्फ एस्टीम। अब लो सेल्फ एस्टीम के पर्सन में क्या होगा, वी हैव अ नेगेटिव व्यू ऑफ आवर सेल्फ। इसमें हम जो है ना ज्यादातर नेगेटिव सोचते हैं और बहुत ही ज्यादा नेगेटिव व्यू होते हैं अपने बारे में, और लोगों ने तो सोचना ही होता है नेगेटिव, और लेकिन इसमें गलत गलत ये होता है कि हम खुद भी अपने बारे में नेगेटिव सोचते हैं। तो फिर जब आप अपने बारे में जब खुद से ही नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, तो उसमें क्या करेंगे, दिस टेंड टू लीड टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। फिर आप में कॉन्फिडेंस नहीं रहता। ठीक है जी। आपने कोई नर्सिंग स्किल परफॉर्म कर रही है, आपकी टीचर ने आपको डिमोनिस्ट्रेट की है, लेकिन अगर आप लो सेल्फ स्टीम के साथ हैं, तो आप जब अपनी स्किल परफॉर्म कर रहे होंगे, तो आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता जो कि एक हाई सेल्फ स्टीम के साथ के वाले पर्सन में होगा। फिर अगर कोई पेशेंट है यहाँ पे, तो वो प्रॉपरली मेडिसिन नहीं लेगा, प्रॉपर अपनी केयर नहीं करेगा, प्रॉपर शावर नहीं लेगा, प्रॉपर अपनी ड्रेसिंग चेंज नहीं करेगा, अपने हेयर जो है वो क्लीन नहीं करेगा, तो वो सारी चीजें जो है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शो करती हैं। इसके अलावा वांट टू बी या लुक लाइक समवन एल्स। इसमें जो ऐसे जो पेशेंट होते हैं या ऐसे जो पर्सन होते हैं, वो दूसरों के साथ हमेशा अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं, कंपेरिजन शो करते रहते हैं। ठीक है जी। फलां फलां ऐसा है, फलां की अपेयरेंस ऐसी है, तो मुझे भी ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है। और इसमें जो है फिर वो डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज शो करेगा, डिफरेंट किस्म के बिहेवियर शो करेंगे, कि बस उससे ये जाहिर होगा कि वो जो खुद है, जिस तरह की उसकी अपेयरेंस है, जिस तरह की उसकी फिजिक है, या जिस तरह की उसकी हेल्थ है, वो उससे सेटिस्फाई नहीं है। वो हमेशा किसी और को ही आइडियलाइज करता रहेगा और उसके साथ अपने आप को कंपेयर करता रहेगा, और किसी दूसरे की तरह दिखना चाहेगा, या वो चाहेगा कि वो उस तरह का नजर आए सबको। ठीक है जी। ऑलवेज वरिंग व्हाट अदर्स माइट थिंक। हमेशा वो परेशान ही रहता है दूसरे उसके बारे में जो भी सोचते हैं, दूसरे सोचे या ना सोचे, वो हमेशा ही परेशान रहेगा ऐसा पर्सन। इसके अलावा है पेसिमिज्म, यानी कि नेगेटिविटी। नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, वो हर बात में नेगेटिव रहेगा। कोई उसका कोई रिलेशन है, कोई उसकी वर्क है, कोई उसका जॉब है, कोलीग्स हैं, जो भी सराउंडिंग लोग होंगे, वो उनके बारे में हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। कोई फ्रेंड्स उसके सर्कल में है, या एज अ नर्स अगर आप किसी पेशेंट की कर रहे हैं केयर, पेशेंट अगर नेगेटिव है, तो वो क्या करेगा कि वो आपकी बात पे कंसंट्रेट नहीं करेगा, ना ही अपनी केयर प्रॉपर कर पाएगा, और जो दूसरे पेशेंट्स हैं उनके पास, या किसी कोई डॉक्टर्स हैं उनकी कोई काउंसलिंग अगर की जा रही है, तो उनके बारे में भी वो नेगेटिव ही रहेगा। वो कभी भी उसके बारे में गुड रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा। अच्छा जी, सेल्फ इमेज। अब हम देखते हैं कि सेल्फ इमेज क्या है।
सेल्फ इमेज का मतलब ये है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, अपने 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 आप को कैसे देखते हैं, ठीक है जी। दिस डजंट नेसेसरली हैव टू रिफ्लेक्ट रियलिटी। अब सेल्फ इमेज जो है वो जरूरी नहीं है कि वो रियलिटी की बेस पे हो, ठीक है जी। वो अनरियलिस्टिक भी हो सकता है और रियलिस्टिक भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आप इस इमेज में देखें, पर्सन जो है वो एक जो है वो इस तरह का है, थिन है, टॉल है, ठीक है जी। लेकिन अगर आप इमेज में देखें तो वो अपने आप को बहुत फैटी कंसीडर कर रहा है, ठीक है जी। अब इसका ये मतलब है कि वो बजाहिर तो वो इतना फैटी नहीं है, लेकिन वो सोचता है कि वो अभी भी फैटी है, ठीक है जी। वो अपने इमेज को इस तरह का उसने अपना इमेज कंसीडर किया है, ठीक है जी। इंडीड अ पर्सन विद एनोरेक्सिया हु इज थिन मे हैव अ सेल्फ इमेज इन विच द पर्सन बिलीव्स दे आर फैट, ठीक है जी। एनोरेक्सिया एक इलनेस होती है, एक साइकेट्रिक जो है कंडीशन होती है। इसमें पेशेंट जो है वो हमेशा यही बिलीव करता है कि वो फैट है, तो उसने वो जो कुछ भी खाता है वो जो है या तो वॉमिट हो जाती है उसको, या जो है वो कम खाने की कोशिश करेगा, ठीक है जी। पर्सन की सेल्फ इमेज इज अफेक्टेड बाय मेनी फैक्टर्स सच एज पेरेंटल इन्फ्लुएंसेस, फ्रेंड्स, द मीडिया। इसके अलावा जो आपका सेल्फ इमेज होता है पर्सन का, बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो इससे इफेक्ट कर सकते हैं। यानी कि आपके पेरेंट्स का क्या इन्फ्लुएंस है उसकी, और फ्रेंड्स का क्या इन्फ्लुएंस है, और साथ में मीडिया। मीडिया बहुत रोल प्ले करता है इसमें। पेरेंट्स जो है समटाइम क्या कहते हैं कि अपने बच्चों को ये समझते हैं कि बच्चे जो हैं अभी वीक हो गए हैं, हमारे बच्चे चाहे वो फैटी हो या ज्यादा हो, तो कहते हैं कि हमारा बच्चा वीक है, तो उसकी वजह से भी उसका इमेज जो है वो क्रिएट हो जाता है। इसके अलावा उसके फ्रेंड्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करेंगे कि भाई आपको अपने इमेज को चेंज करने की जरूरत है, या आपको जो अपनी परसेप्शन जो है उसको चेंज करने की जरूरत है। सेल्फ इमेज की हम कुछ डिस्क्रिप्शन है वो देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं, जिससे हमें अंदाजा हो जाएगा, आइडिया हो जाता है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि एक पर्सन है अगर वो सेल्फ इमेज है को तो डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें हमने क्या क्या डिस्कस करना है। ओके, आयशा कह रही है कि लास्ट स्लाइड अगेन समझा दें, ठीक है जी। सेल्फ इमेज, सेल्फ इमेज मैंने आप लोगों को बताया है कि सेल्फ इमेज एक पिक्चर होती है जो कि एक पर्सन जो है वो अपने आप के अपने बारे में जो है ना वो बना लेता है, अपने बारे में जो है वो अंडरस्टैंड कर लेता है। यानी कि इस पिक्चर में मैंने आपको बताया था कि देखें, एक पर्सन जो है वो स्मॉल है, वो इतना फैटी नहीं है, लेकिन दूसरों के लिए तो हमें तो वो नजर आ रहा है कि वो जो है नॉर्मल है, अंडर वेट है, और उसकी बोन्स भी नजर आ रही है, रिब्स नजर आ रही है। लेकिन अगर वो अपने आप को मिरर में देखता है तो वो अपने आप को फैट कंसीडर करता है, ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि वो अपनी इमेज को ऑपोजिट जो है वो कंसीडर कर रहा है, और उसे अभी भी अपने आप को वो चाहता है कि वो इसको जो है करेक्ट करे और इसको इम्प्रूव करे, ठीक है जी। तो इसमें एग्जाम्पल यही थी कि एनोरेक्सिया के जो पेशेंट्स होते हैं जो कि साइकेट्रिक इलनेस है, उसमें पेशेंट हमेशा यही समझता है कि वो कुछ भी खाएगा तो वो फैटी हो जाएगा। इसलिए ऐसे पेशेंट या तो खाना कम खाते हैं या फिर बार बार वो वॉमिट कर देते हैं खाना खाने के बाद, ठीक है जी। क्योंकि उनको अपना इमेज जो है वो जो है उसके ऑपोजिट नजर आ रहा होता है, तो उस पे भी डिपेंड करता है कि उनका जो है वो सेल्फ इमेज जो है वो किस तरह का है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया इसमें कि सेल्फ इमेज जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि उस पर इफेक्ट कर सकते हैं, जिसमें पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है। अब पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस है, कुछ पेरेंट्स होते हैं
बच्चे बड़े हो भी जाएं तो वो उनको छोटा ही कंसीडर करते हैं, या अगर वो प्रॉपर उनकी फिजिक है तो माएं क्या करती हैं, मदर मोस्टली ये कहती हैं कि मेरा बच्चा वीक हो गया है, मेरा बच्चा ऐसा है या इस तरह का है, ठीक है जी। इसके अलावा जो फ्रेंड्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इसमें रोल प्ले करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स की जो कंपनी होती है, आपके किस जिस तरह के फ्रेंड्स होंगे, जिस तरह की कंपनी होगी, वो इसको बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करती है। अगर कोई नॉर्मल बैकग्राउंड से है, नॉर्मल कल्चर से आपकी फ्रेंड है, तो वो आपको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन अगर कोई हाई क्लास की आपकी फ्रेंड है, या कोई फ्रेंड है, या आपकी गैदरिंग ऐसी है जो कि ज्यादातर मिड क्लासेस के लोग हैं, तो वो क्या करेंगे कि आपको अपना इमेज चेंज करने की जरूरत है। आप थोड़े मॉडर्न हो जाएं, आप अपनी ड्रेसिंग चेंज करें, आप जो है अपनी पर्सनैलिटी बनाएं, ठीक है जी। तो जिस तरह की आपकी कंपनी होती है, जिस तरह का फ्रेंड सर्कल होगा, वो सारी चीजें जो हैं आपके सेल्फ इमेज पे इम्पेक्ट करती हैं। इसके अलावा है जी थर्ड वन मीडिया। अब मीडिया में बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं जो कि मॉडर्निज्म को शो करती हैं, ठीक है जी। लंबे बाल हैं किसी के, किसी की फिजिक कैसी है, किसी की ड्रेसिंग कैसी है, हाई हील्स वेयर करनी है या ये करना है किस तरह का, तो ये सारी चीजें जो हैं आपके सेल्फ इमेज पे इम्पेक्ट कर सकती हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी सेल्फ इमेज की, अगर आप डिस्क्रिप्शन देखें या डायमेंशन देखें, तो उसमें है जी फिजिकल डिस्क्रिप्शन। उसमें आ जाता है कि आई एम टॉल, हैव ब्लू आईज एक्सेट्रा, ठीक है जी। अब इसमें डिफरेंट किस्म का आपका फिजिकल अपीयरेंस आ जाती है, आप अपने फिजिकल अपीयरेंस से हैप्पी हैं या नहीं है, वो सारी चीजें इसमें फिजिकल डिस्क्रिप्शन में आती हैं। फिर आ जाते हैं सोशल रोल्स। वी आर ऑल सोशल बींग्स, उस बिहेवियर इज शेप्ड टू सम एक्सटेंट बाय द रोल्स वी प्ले। अब सोशल रोल्स का मतलब ये है कि आप सोसाइटी में रहते हुए, आप फैमिली में रहते हुए, आप अपनी सराउंडिंग में रहते हुए किस तरह का रोल प्ले कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा आपके सेल्फ इमेज को इफेक्ट करता है या उस पर इम्पेक्ट शो कर सकता है, ठीक है जी। यानी कि डिफरेंट रोल्स हैं, सच रोल्स एज स्टूडेंट, आप एज अ स्टूडेंट अपना रोल परफॉर्म कर रहे हैं, या हाउसवाइफ हैं और मेंबर ऑफ फुटबॉल टीम हैं, ठीक है जी, किसी भी क्रिकेट टीम के या फुटबॉल टीम के या कोई और जो प्लेइंग एक्टिविटी है उसके आप मेंबर हो सकते हैं। नॉट ओनली हेल्प अदर्स टू रिकॉग्नाइज अस, बट ऑल्सो हेल्प अस टू नो वट इज एक्सपेक्टेड ऑफ अस इन वर्ल्ड सिचुएशन, ठीक है जी। आप अपने रोल से पहचाने जाते हैं और आप उस रोल की बेस पे फिर अपना एक सेल्फ इमेज क्रिएट कर लेते हैं, जो कि फिर जिसकी बेस पे लोग आपको पहचानते हैं, या डिफरेंट किस्म की सिचुएशन में डिफरेंट किस्म की जो एक्टिविटीज हैं फिर आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा है जी पर्सनल ट्रेट। दीज आर अ थर्ड डायमेंशन ऑफ आवर सेल्फ डिस्क्रिप्शन। अब पर्सनल ट्रेट्स का मतलब है कि आप अपने बारे में कोई स्पेसिफिक जो है ट्रेट्स जो है वो डेवलप कर लेते हैं। कुछ कोई कहेगा कि मैं जोली पर्सन हूँ, कोई कहेगा कि मैं एंग्री पर्सन हूँ, कोई कहेगा कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मतलब डिफरेंट किस्म की आपकी अपनी सेल्फ जो है डिस्क्रिप्शन में आ जाती है। इसी इस तरह की इसकी एग्जाम्पल्स में अगर आप देखें तो है आई एम इम्पल्सिव, आई एम जेनरस, आई टेंड टू वरी अलॉट, ठीक है जी। यानी कि उसने बता दिया है कि मैं मेरी नेचर ये है और मेरी पर्सनल ट्रेट ये है, कुछ स्पेसिफिक नेचर जो है मेरी जो है सेल्फ इमेज में पाई जाती है। तो उससे तो पता चल जाता है कि ये बंदा या ये स्टूडेंट या ये पेशेंट जो है वो उसमें ये करेक्टरिस्टिक पाई जाती है, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी एग्जिस्टेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसको हम कहते हैं कॉन्सेप्चुअल वन, यानी कि कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेना इसमें। दिस कैन रेंज फ्रॉम आई एम अ चाइल्ड ऑफ द यूनिवर्स टू आई एम अ ह्यूमन बींग टू आई एम अ स्पिरिचुअल बींग। अब इसमें एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क डेवलप हो जाता है, ऐसी स्टेटमेंट्स जो एग्जिस्ट करती हैं उसको हम कहते हैं कि ये कंसेप्चुअल वंस हैं। अब इसमें डिफरेंट किस्म के सिनेरियोज आ सकते हैं, कोई कहेगा कि मैं फलां हूँ, मैं फलां हूँ, फलां, यानी कि मैं एक स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, मैं एक ह्यूमन बींग हूँ, या मैं जो है ये काम कर सकता हूँ, मैं ये इस तरह से परफॉर्म कर सकता हूँ, तो उसको हम कहते हैं कि ये उसकी एग्जिस्टेंशियल स्टेटमेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट 1 मिनट है, तो हम इसको समराइज कर लेते हैं जो आज हमने डिस्कस किया है। हमने सबसे पहले डिस्कस किया था डिफाइन करें सेल्फ परसेप्शन एंड सेल्फ इमेज, ठीक है जी, सेल्फ कॉन्सेप्ट।
और फिर उसमें हमने देखा कि सेल्फ परसेप्शन क्या होती है और किस तरह से हमने उसको डिफाइन किया, उसके हमने सारी कंपोनेंट्स वगैरह डिस्कस किए। जी लुबना बस एंड पे है, फिनिश कर रही हूँ। ठीक है जी, आप लोग लर्न कर लीजिएगा इसको। लुबाइना, ठीक है जी। फंक्शंस ऑफ सेल्फ और सेल्फ कंसेप्ट के हमने डिस्क्राइब किए थे और लाइफ स्पैन के थ्रू जिस तरह के फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं वो हमने इसमें डिस्कस किए हैं। ठीक है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।